स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। आज गोवर्धन पूजा का पर्व है। समाचार प्रेस के सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, माघपाली उत्सव भी संपन्न होता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण की आराधना के इस दिन का और क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे कार्यक्रम में, ताकि इस दिन आप भी पूरे विधि विधान से पूजा करके अपना घर धन धान्य से भरपूर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम अन्नकूट पर भर लो धन। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है स्वाति, योग है प्रीति और करण है किंस्तुभ। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के नाम से हम सभी जानते हैं। चलिए तो ये तो था आज का पंचांग और अब जान लेते हैं कि आज गोवर्धन पर्व है और किस तरीके से गोवर्धन पर्व पर पूजा अर्चना की जानी चाहिए और क्या है पूजा का महत्व। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है और आज की तिथि में गोवर्धन पूजा का महात्म बहुत ज्यादा होता है। तो आइए मैं आपको आज बताता हूँ कि किस प्रकार आपको गोवर्धन पूजा करनी है, किस प्रकार से अन्नकूट मनाया जाना चाहिए और 56 भोग लगाने का क्या महात्म है, ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। कृष्ण भक्ति का पर्व है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा। ये जो तिथि है ये बहुत ही महात्म रखने वाली तिथि है। दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है इसे उत्तर भारत में मनाया जाने वाला इस तिथि पर गोवर्धन पूजा के नाम से पर्व होता है। ये बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हिंदू धर्मावलंबी। इसमें सभी हिंदू धर्मावलंबी के घर के आंगनों में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की एक अल्पना बनाई जाती है, उनकी एक आकृति बनाई जाती है। फिर उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और घर के आंगन में गौ माता को लेकर के आते हैं। उसके पश्चात गौ माता की पूजा आराधना की जाती है और उनको अपने हाथों से अन्न से बना हुआ भोग जो कुछ भी बना होता है गौ माता को परिवार के सभी सदस्य खिलाते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा करते हैं। तत्पश्चात व्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान श्री गिरिराज पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाते हैं। यह परंपरा, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, कि द्वापर युग से चली आ रही है। उससे पूर्व ब्रज में इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी, मगर भगवान श्री कृष्ण ने यह तर्क देते हुए कहा कि इंद्र से तो किसी भी प्रकार का लाभ हमें नहीं मिलता, जबकि गोवर्धन पर्वत की अगर हम पूजा आराधना करें तो गोवर्धन पर्वत जो है हमारे गौधन का संवर्धन एवं संरक्षण करते हैं और उसके साथ साथ हमें पर्यावरण की रक्षा भी हमारे करते हैं। हमें प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं वो भी गोवर्धन पर्वत से मिलती है, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इंद्र भगवान की जगह हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इसलिए इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा की जानी चाहिए। हालांकि इसके बाद इंद्रदेव ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा के द्वारा डराने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का आसरा पा करके अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने अपना विचार नहीं बदला और इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन भगवान की पूजा आरंभ कर दी। श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर इस घटना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ को संबोधित करके स्पष्ट कहा है कि गोवर्धन उनके गौधन की रक्षा करते हैं, उन्हें वृक्ष देते हैं, उन्हें फल इत्यादि देते हैं, ऐसे में हमें उनका पूजन और वंदन करना चाहिए, वह हमारी प्रकृति की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने व्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की परंपरा जो है वह आरंभ करवाई। भगवान श्री कृष्ण पर्यावरण के सबसे बड़े संरक्षक माने गए हैं। इंद्र के मान मर्दन के पीछे उनका यही उद्देश्य था कि ब्रजवासी गौ एवं पर्यावरण के महत्व को समझें और उनकी रक्षा इत्यादि करें, उनकी पूजा आराधना करके उनकी सेवा करें तो ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तो गोवर्धन पूजा अगर पूरे विधि विधान से की जाए तो धन धान्य से भर जाता है घर। आचार्य जी, आप ये बताइए कि गोवर्धन पूजा का विधि विधान क्या है। जी बिल्कुल, देखिए इस तिथि पर गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा करके, सुबह उनको स्नान करा करके तैयार किया जाता है। उसके उपरांत फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है।
गायों को मिठाई खिला करके या अन्न से बने हुए जो भोग पदार्थ जो अन्नकूट में भोग लगाए जाते हैं वह उनको खिलाए जाते हैं। उसके उपरांत उनकी आरती तथा आरती उतारने के उपरांत उनकी प्रदक्षिणा की जाती है, क्योंकि गौ को हमारे यहाँ पूजनीय माना गया है, गौ को माता समान माना गया है। गौ से प्राप्त जो दूध होता है हम उसे नाना प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं, वह हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, पुष्प यानी दही तथा तेल का दीपक जला करके पूजा करते हैं तथा उसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के निमित्त भोग व नैवेद्य में नित्य पदार्थ के निमित्त पदार्थों के अतिरिक्त यथा सामर्थ्य अन्न से बने कच्चे पके भोग फल फूल अनेक प्रकार के पदार्थ जिन्हें 56 भोग कहते हैं या 56 भोग बना करके भगवान को अर्पण करने का विधान भागवत में बताया गया है, और फिर सभी सामग्री अपने परिवार इष्ट मित्रों को वितरण करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत सरल बहुत सीधा सा विधान है जो इस तिथि पर किसी भी व्यक्ति को करके भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन देवता की कृपा लेनी चाहिए। चलिए तो ये तो हमने जाना कि आज सभी को गोवर्धन पूजा कैसे करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे कि कल भाई दूज के दिन भाई अपनी बहनों को राशियों के मुताबिक क्या उपहार दें। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल भाई दूज है, भाई दूज भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, ऐसे में ये प्यार और बढ़े और हमेशा बना रहे इसके लिए कल उनसे टीका लगवाकर उन्हें उपहार भी दिए जाएंगे। तो भाई अपनी बहनों की राशि के हिसाब से उन्हें क्या उपहार दें ये हम जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी हम जानना चाहेंगे कि राशियों के मुताबिक उपहार क्या देना चाहिए और किस तरीके से सुफल देता है ये। जी बिल्कुल, भाई दूज का त्योहार जो है भाई बहन के अटूट प्यार व स्नेह का प्रतीक होता है। इस अवसर पर भाई अपनी बहनों की पसंद के उपहार उन्हें अवश्य देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि भाई दूज पर दिए जाने वाले जो उपहार हैं वह भी राशि के अनुसार दिए जाएं तो वे और शुभ फल प्रदान करते हैं। भाई दूज के इस पवित्र त्यौहार पर भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या उपहार दे सकते हैं, आइए ये मैं आपको आज जानकारी देता हूँ। तो चलिए अब बात करेंगे राशियों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वाली बहनें अपने भाइयों से क्या उपहार दें। जी बिल्कुल, जिन बहनों की राशि मेष बनती है आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके राशि स्वामी मंगल देवता हैं, आप पर मंगल देवता का विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए भाई जो है वो मेष राशि वाली अपनी बहनों को जिंक की धातुओं से बनी हुई कोई वस्तु, कोई शोपीस इत्यादि गिफ्ट कर सकते हैं। भगवान गणेश का स्वरूप, माँ लक्ष्मी का स्वरूप यदि दिया जाए, माँ सरस्वती की मूर्ति अगर भेंट में दी जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग के वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी आपको उपहार में अगर मिलती हैं अपने भाइयों की तरफ से तो आपको बहुत अच्छा फायदा रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं भाई अपनी वृषभ राशि वाली बहनों को क्या उपहार दें। जी बिल्कुल, जिन भाइयों की बहनों की राशि वृषभ बनती है वे अपनी बहनों को परफ्यूम, कैसेट, सीडीज, रेशमी वस्त्र या संगमरमर के पत्थर से बनी हुई कोई मूर्तियां यदि भेंट में उपहार स्वरूप देते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, बहनों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इन वृषभ राशि वाली बहनों के जो राशि जिनकी वृषभ होती है उन पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है, तो संगीत, परफ्यूम इत्यादि और खासतौर पर संगमरमर से बनी हुई चीजें, रेशमी वस्त्राभूषण जो है वो बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, उनकी राशि के अनुसार उनको शुभता मिलती है। चलिए ये तो बात रही वृषभ राशि वालों के लिए। चलिए आप जान लेते हैं मिथुन राशि वाली बहनें अपने भाइयों से क्या उपहार दें। जी बिल्कुल, जिन लोगों की राशि मिथुन है आपकी राशि का स्वामी बुध बनता है, इसलिए इस राशि वालों को सुंदर पेनसेट, खेलकूद के सामान, हरे रंग की वस्तु, कोई भी भेंट उपहार की वस्तु, सीनरी या फोटो या जिसमें ऐसी हरियाली दिख रही हो, एक अच्छा सा लुभावना दृश्य हो, इनमें से कोई भी उपहार दिया जा सकता है। तो भाई लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी बहनें मिथुन राशि की हैं तो आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को अगर आप भेंट स्वरूप देते हैं तो इससे आपको भी फायदा मिलेगा और आपके बहन के जो संबंध हैं आने वाले समय में वो और मजबूत और प्रगाढ़ होते जाएंगे। अब जान लेते हैं भाई अपनी कर्क राशि वाली बहनों के लिए क्या उपहार दें। जिन भाइयों की बहनों की राशि कर्क बनती है इस राशि के लोगों पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए कर्क राशि की बहनों को चांदी से बनी हुई वस्तुएं, उससे बने हुए कोई भी सामान, मोतियों का हार,
सफेद वस्तुएं, वाहन, सीप के बने हुए उपहार और चॉकलेट इत्यादि अगर दिए जाएं उपहार में तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके रिश्ते जो हैं वह निरंतर मजबूती की तरफ बढ़ते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं सिंह राशि वाली बहनें अपने भाइयों से क्या उपहार लें। जी बिल्कुल, जिन भाइयों की बहनों की राशि सिंह बनती है, आपकी सिंह राशि का जो स्वामी है वह अपनी बहनों को उन्हें सोने के चेन या आभूषण, माणिक के से बने हुए कोई भी चीजें, माणिक जो रत्न होता है उससे बनी हुई चीजें, तांबे के पदार्थ बने हुए कोई भी शोपीस या कोई बड़ा आप स्टैचू अगर आप देना चाहते हैं, कोई पुरानी चीजें, एंटीक वस्तु कुछ आप देना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ सिंह राशि का आधिपत्य लकड़ी पर और फर्नीचर्स पर होता है, तो लकड़ी से बने हुए अगर आप कोई शोपीस देते हैं, कोई लुभावनी वस्तुएं देते हैं, कोई यादगार चीजें, एक जिसे चिन्ह कहते हैं, स्मृति चिन्ह देते हैं, तो वह आपको और आपके बहन के संबंध के लिए बहुत सुफलदायी होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वाली बहनों को भाई क्या उपहार दें। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आपकी राशि का स्वामी बुध है, इसलिए इस राशि की बहनों को कांसे से बनी हुई मूर्तियां, हरे वस्त्र, पन्ने की अंगूठी, गणेश जी की मूर्ति या फोटो, कोई पुस्तक, खासतौर पर कोई धार्मिक पुस्तक, या उसके अलावा आपके बहन के इंटरेस्ट की अगर कोई उपन्यास है, कोई नॉवल है, पुस्तक या उपहार में लेखनी इत्यादि अगर आप देते हैं, पेनसेट इत्यादि देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इससे आपके जो संबंध हैं वो बौद्धिक स्तर पर, आपस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत अच्छी हो सकती है। और अब आ रही है तुला राशि की, देख लेते हैं तुला राशि वाली बहनें अपने भाइयों से भाई दूज पर क्या गिफ्ट लें। जी बिल्कुल, जिन बहनों की राशि तुला है, आपकी राशि पे शुक्र देव का आधिपत्य है, या यूं कहें आपकी राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उसके स्वामी हैं, इसलिए इस राशि की बहनों को वस्त्र, आभूषण, कार, परफ्यूम आदि अगर उपहार में मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। इससे बेहतर उपहार आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, तो आपको अपनी राशि के अनुसार अपने भाइयों से गिफ्ट डिमांड करना चाहिए। और हम आपको एक दिन पहले ये सारी जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने लिए भाई भी अपनी बहनों की राशि के अनुसार पहले से तैयारी कर लें, और जिन भाइयों को जानकारी नहीं है, बहनें उन्हें अपनी राशि बता करके उनसे अपनी पसंद के गिफ्ट डिमांड कर सके। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाली बहनों को भाई उपहार में क्या देंगे। जी बिल्कुल, जिन बहनों की राशि वृश्चिक बनती है, आपकी राशि पर मंगल देव का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उनकी राशि है, इस राशि की बहनों को लाल रंग की मिष्ठान, यानी कोई ऐसी मिठाई जो लाल रंग की हो, लाल पेड़े इत्यादि, बेसन के लड्डू इत्यादि, मूंगे से बने हुए आभूषण, अंगूठी व तांबे की वस्तुएं अगर उपहार में दी जाए तो ये पूर्णता आपकी राशि के अनुसार होगा। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, आपके प्रेम स्नेह में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। अब बारी है धनु राशि की, देख लेते हैं धनु राशि वाली बहनें अपने भाई से किन उपहारों की डिमांड करें। धनु राशि वाली बहनों के लिए सबसे आवश्यक यह है, आप पहले ये जान लें कि आपकी राशि के स्वामी जो हैं बृहस्पति देवता हैं, आपकी राशि पर बृहस्पति देवता का आधिपत्य होता है, इस राशि वाली बहनों के लिए राजसी चिन्ह, पुस्तकें, सोने की चेन, आभूषण, साहित्य अथवा वस्त्र से जुड़ी हुई, खासतौर पर पीले वस्त्र से अगर संबंधित कुछ आप चीजें लेती हैं, पीले रंग से संबंधित चीजें आप लेते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और आप जान लेते हैं भाई अपनी मकर राशि वाली बहनों के लिए क्या उपहार खरीदे। मकर राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजें ये है कि अगर आप अपनी बहनों को कोई उपहार देते हैं तो आपको शनि से संबंधित चीजें देनी चाहिए भेंट स्वरूप, क्योंकि मकर राशि के स्वामी जो हैं वह शनिदेव हैं, इन पर शनिदेव का आधिपत्य होता है, तो मकर राशि की बहनों को खासतौर पर मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, आईपैड या बाइक इत्यादि गिफ्ट किए जा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो खासतौर पर जिनमें नीलम का प्रयोग किया गया हो या नीले रंग से संबंधित हो, ऐसी चीज़ें अगर आप देते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। और सबसे बेहतर गिफ्ट किसी भी भगवान के स्मृति चिन्ह दिए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह उन शनिदेव के इष्टदेव माने गए हैं, तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी उपहार में देते हैं अपनी बहन को तो भी आपको फायदा मिलेगा, बहन के लिए भी सुखकारी होगा। तो ये तो बात रही मकर राशि की, आप देख लेते हैं कुंभ राशि वाली बहनों के लिए भाई क्या उपहार खरीदे। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देवता हैं, इस राशि की बहनों को भाइयों के लिए आवश्यकता ये है कि बहनों को अच्छे से मनपसंद शॉपिंग कराई जाए, उनको जिस भी तरीके के कपड़े पसंद हो कपड़ों की शॉपिंग करानी चाहिए, सैंडल, ब्रेसलेट में खासतौर पर सिल्वर या फिर उसके बाद पंच धातु या अष्ट धातु की चीजें अगर आप गिफ्ट करते हैं, अगर आपको कोई धातु देना है
तो आप चांदी का प्रयोग कर सकते हैं, चांदी के सामान दें या पंच धातु या अष्ट धातु से बनी हुई चीजें दें। पत्थर के बने हुए शोपीस या नीलम की अंगूठी अगर आप भेंट करते हैं, कोई आभूषण भेंट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बहन के लिए शुभकारी और मंगलकारी होगा। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाली बहनों को भाई दूज पर क्या उपहार लेने चाहिए। मीन राशि के जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी भी गुरुग्रह बृहस्पति बनते हैं। इस राशि की बहनों को सोने के आभूषण अगर उपहार में मिलते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा पीली मिठाइयां, पीले वस्त्र, कंप्यूटर से संबंधित चीजें और फिश एक्वेरियम, अगर आप कृत्रिम मछलीघर अपनी बहन को उपहार में देते हैं भाई लोग, खासतौर पर जिन बहनों की राशि मीन है तो उनको फायदा मिलेगा। और जब आप अगर उनको एक्वेरियम गिफ्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें 8 गोल्ड और 1 ब्लैक फिश जरूर हो, यानी 8 सुनहरी मछली और 1 काली मछली का होना अनिवार्य होता है। और ये आपके बहन के घर में, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएगी। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया गोवर्धन पर्व के महत्व के बारे में, साथ ही साथ किस तरीके से पूजन किया जाना चाहिए, साथ ही साथ कल भाई दूज का पर्व भी है और राशियों के मुताबिक भी आचार्य जी ने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से राशियों के मुताबिक उपहार खरीदें और अपनी बहनों को गिफ्ट करें भाई। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। हार्दिक शुभकामना। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को गोवर्धन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।